लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज के समय में किसी शाकाहारी इंसान को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना चावल में सफेद कंकड़। पर्यावरण की चेतावनी को नजरअंदाज करना हम पर कितना भारी पड़ रहा, इसकी भनक तो हमें लग चुकी है, लेकिन जो स्वाद जुबान पर चढ़ चुका है बस उसे छोड़ने का मन नहीं करता। यही तो इंसान की फितरत रही है, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली बनाने में हमने पर्यावरण की नींद हराम कर दी है। भूल गए हैं कि जिस तरह हम प्रकृति की संतान हैं, उसी तरह जानवर भी उसके बच्चे हैं। इनमें कुछ लोगों ने आगे आकर जानवरों की पीड़ा समझने का बीड़ा उठाया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने शाकाहारी बनने का फैसला किया है और इसे अपना कर वो काफी खुश हैं। वो कहती हैं, मेरे खाने में हमेशा मीट शामिल होता था। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब शाकाहारी बनूंगी। अब मैं बहुत हल्का और एनर्जेटिक महसूस कर रही हूं। इससे पहले सनी लियोनी ने लैक्मे फैशन वीक 2020 में एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका थीम था लेदर इज डॉलर रिप ऑफ। सनी ने कहा था, लेदर बैग, बेल्ट या जूते को खरीदते वक्त लोगों को यह सोचना चाहिए कि उसे बनाने में जानवरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। बिना लेदर के बने प्रोडक्ट्स भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। लेदर के इस्तेमाल को बंद करके धरती पर रहने वाले जानवरों को बचा सकते हैं। 92वें एकेडमी अवार्ड समारोह में फिल्म जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले जोक्विन फीनिक्स ने भी मंच से जानवरों को बचाने की मुहिम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है प्राकृतिक दुनिया से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम में से कई मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड की धुरी हैं। हम प्रकृति का दोहन करते हैं। हमें लगता है कि गाय का कृत्रिम गर्भाधान कराने और उसके बछड़े को उससे अलग करने का हमें अधिकार है, जबकि हम उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। हम उसके दूध को अपनी कॉफी और सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, जिस पर उसके बछड़े का अधिकार है। हम बदलने के विचार से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसके लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। अपनी रचनात्मक शक्तियों के जरिए हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो सभी संवेदनशील जीवों और पर्यावरण के हित में हो।